भाजपा के नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने आज नगर निगम चुनावों की दृष्टि से मैनिफेस्टो लीगल और आवास समिति की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन गणेश दत्त होंगे। उनके साथ पूर्व चेयरमैन रूपा शर्मा, पूर्व पार्षद विवेक शर्मा, जिला प्रभारी डीजी ठाकुर, जिला अध्यक्ष विजय परमार, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भोटका, राजेश शारदा और दिनेश ठाकुर इस समिति के सदस्य होंगे। इसी प्रकार समिति के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल बंसल और आवास समिति के अध्यक्ष समला ग्रामीण से प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रमोद ठाकुर होंगे। भारतीय जनता पार्टी की शिमला नगर निगम के लिए आज हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसके अंदर आने वाले समय की सारी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। हमारे जो टीम के लोग ऑलरेडी सारे जो वार्ड के अंदर उन्होंने जाकर सब कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्य कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट हमें परसों तक उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर 12 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक रखी गई है जिसके अंदर इसके जो चुनाव के अंदर सारे प्रत्याशियों की उनकी घोषणा की जाएगी। उस दृष्टि के साथ किस तरीके से उसका मैनिफेस्टो के लिए क्या क्या कार्य करने वाला है, मैनिफेस्टो के लिए टीम की घोषणा करी गई है। मैनिफेस्टो का काम देखने के लिए जो दृष्टि पत्र है उसके साथ साथ उसको बनाना और जो अभी तक की हमारी अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके उसको कंपाइल करना, एक उसके बारे में हमारी कमेटी उसका कार्य करेगी। साथ ही साथ ये जो 13, 17 और 18 तारीख को हमारे सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इन 3 दिनों के बाद इसके बाद हमारा जो आगे के आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा अगले 10 दिनों की क्या होनी है उसके बारे में रूपरेखा तैयार करी गई है जिसके बारे में 20 तारीख के बाद वो आपसे उसकी चर्चा करेंगे। 30 अप्रैल को मन की बात का जो 100वां संस्करण है वो दिखाया जाएगा तो उसके साथ लिंक हमारे बूथ स्तर के ऊपर और नगर निगम के हर क्षेत्र के अंदर मन की बात के कार्यक्रम को किस तरीके से उसको लेकर जाना है क्योंकि वो चुनाव से पहले वो शायद अंतिम दिन है कि जिसमें आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं तो उस दृष्टि से मन की बात का एक मुख्य कार्यक्रम रहेगा उस दिन के कार्यक्रमों को लॉन्च करने के लिए। एक जानकारी हमारे ध्यान में आई कि जिसके जो कांग्रेस के कुछ लोग कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पर वोट बनाना अलाउड नहीं, मंत्रियों के घरों के अंदर और उनके घर के ऊपर ज़्यादा नंबर्स के वोट बनना, ऐसे किसी अमुक समुदाय के कोई धार्मिक क्षेत्र के ऊपर वहाँ पर ज़्यादा नंबर का एक ही जगह से वोट बनना, उसकी जानकारी कल हमारी एक डेलीगेशन ने SDM कार्यालय के अंदर दी है लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे इस चुनाव के प्रभारी और ये कल चुनाव जो समिति जो इलेक्शन कमीशन है उनके कार्यालय में कल जाकर इसके बारे में अपना ज्ञापन देंगे क्योंकि कल अंतिम दिन है वोट बनाने की दृष्टि से। जितनी जितनी इंफॉर्मेशन साथ साथ आती जाती है कितने फर्जी बने हैं ये नंबर्स को बता पाना क्योंकि वो कंपाइलेशन होने के बाद वो नंबर आपके सामने आएगा लेकिन जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है जब हमारे लोग वहाँ पर देने जाते हैं वोट के लिए और वहाँ से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसके आधार के ऊपर हमारा एक डेलीगेशन कल उनसे मिलेगा और उनकी जानकारी मिलेगा कि वोट अप्लाई करना एक दृष्टि है लेकिन वोट को बनाना
वो दूसरा काम है। तो इलेक्शन कमीशन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के टेम्परेरी घर हैं, जैसे मंत्रियों के टेम्परेरी घर हैं, तो वो टेम्परेरी घर के अंदर अगर वहाँ पे जो ज्यादा नंबर्स के अंदर जहाँ वोट ऐसे बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन कहीं और जाती है। इस चीज को देखना ताकि चुनाव सही दृष्टि से हो सके, इसकी चिंता करने के लिए हमारी कल जो डेलीगेशन है वो उनसे मिलेगा और उसके बारे में उनको जानकारी देगा। जो जिस तरीके से पिछले 3 महीनों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है, आम जनता के अंदर आप महसूस करते होंगे कि एक रोष जो है वो सब लोगों के मन में दिखता है। जिन चीज़ों की उन्होंने गारंटियां करी, उन गारंटियों के ऊपर पूरा नहीं उतरे, जो कार्य, जो विकास के कार्यों की जो रूपरेखा जो हमारी सरकार ने बनाई हुई थी, इन्होंने उसको रोकने का काम किया। जहां जहां कार्यालय खुल गए थे, लगभग 682 के करीब कार्यालयों को बंद करने का काम किया। ये जो सरकार जो है, काम करने की बजाय काम बंद करने वाली सरकार हो गई, दफ्तर खोलने की बजाय दफ्तर को रोकने वाली सरकार हो गई। गारंटियां देना तो ऐसे हो गया कि चुनाव के अंदर आप कुछ भी बोल देते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि जो चीज़ों के बारे में उसको करना कैसे है, आपके ध्यान में भी नहीं है। आपने उन चीज़ों के बारे में बोल दिया, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले कहा कि हम हर महिला को 1500 रुपये देंगे, फिर वो महिला को घटाकर फिर उसकी उम्र के ऊपर ले आए, फिर उसके ऊपर हर परिवार के ऊपर एक महिला के ऊपर ले आए। आज हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का यकीन है कि शिमला नगर निगम के अंदर लोग इनको असली पाठ पढ़ाएंगे और इनको मुंह भी खानी पड़ेगी। दे हर जगह के ऊपर, मन के ऊपर, जब आप प्रदेश स्तर के भी मुद्दे होते हैं, देश के भी मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, जो लोग जो पार्टी स्तर के ऊपर जो वोट डालते हैं उनके माइंड में वो मुद्दे होते हैं, जो लोकल स्तर के ऊपर कैंडिडेट के ऊपर आधारित होते हैं वो वहाँ के मुद्दे वो आते हैं। हर क्षेत्र के अंदर, शिमला के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर एक अभूतपूर्व कार्य हमारे शिमला नगर निगम में हुआ है, उसके बारे में हम जनता को बताएंगे क्या क्या कार्य हमने किए हैं और उसके आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी हम जो अपने मैनिफेस्टो में।